विलेज लाइफ डिफिकल्ट होती है यार, पर मजा आता है। ये देखो गुच्ची मिली थी। ओ वाओ, यहाँ सच में नेचुरल पानी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मेरा डे वन है गाँव में। अभी बज रहे सुबह के 7:30 और मैं अभी सो के उठ रही हूँ। और थोड़ी देर पहले उठ गई थी वैसे, बस यूं ही पड़ी थी मैं बिस्तर में। और अब करते हैं आज का दिन शुरू। जाती हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, फिर देखते हैं आज के दिन क्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग, लेट्स गो। तो मॉर्निंग का व्यू कुछ ऐसा है। ये नीचे सतलुज दिख रही है, ये बिथल है, सामने निथर है और ये अपना गांव है। इधर को क्या खा रहे सुबह सुबह? चौकू। अभी बज रहे सुबह के 10:30 और अब मैं जा रही हूँ खेत, क्योंकि मम्मी और बड़े मम्मी चले गए थे पहले। मैं उनके लिए खाना लेके जा रही हूँ और बताते हैं आपको खेत में क्या करने जा रहे हैं। आजकल गांव में घास काटने का सीजन शुरू हो गया है, मतलब सारे लोग घास काटने में बिजी हो गए हैं। तो मम्मी और बड़े मम्मी भी चले गए थे सुबह सुबह खेत, तो अब मैं उनके लिए खाना लेके जा रही हूँ और फिर हम लोग भी घास काटेंगे। ये मैं पहुँच गई हूँ पीपल के पेड़ के पास। पीपल का पेड़ तो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो ये हमारे गाँव में पीपल का पेड़ है, बहुत बड़ा है और काफ़ी मान्यता है इसकी। लोग यहाँ पूजा भी करते हैं, यहाँ पे मेला लगता है इस वाली जगह पे। तो वो सामने गांव है और हम जा रहे हैं खेत की तरफ, तो हमें जाना है इस वाले रास्ते से। अभी जो आप देख रहे हो, जो मैंने सिर पे पहना है, इसको धट्टू बोलते हैं। वैसे तो इसको अपर हिमाचल की औरतें पहनती हैं, मोस्टली गांव में सारी औरतें पहनती है धाटू सिर के ऊपर, लेकिन लड़कियां भी पहन लेती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई औरतें ही पहनती हैं। तो अभी मैं पहुंचने वाली हूँ खेत। ये व्यू है कुछ यहाँ से इस तरह से, और मम्मी वगैरह वहाँ घास काट रहे हैं, मम्मी और बड़ी मम्मी। अभी मुझे वहाँ जाना है। तो ये जो पेड़ आप देख रहे हो, ये होते हैं बादाम के पेड़। ये भी बादाम के पेड़ ही हैं यहाँ पे मैक्सिमम। पहुँच ही गई हूँ खेत में ऑलमोस्ट। मम्मी है, ये बड़ी मम्मी है। हाय हाय, कैसा लग रहा है घास काट के? अच्छा अच्छा लग रहा है। थक गया, पसीना देखो कितना बड़ा। इधर तो हमने घास काट लिया है और अब हम आगे को काटेंगे। ये जो पेड़ आप देख रहे हो, ये बादाम के पेड़ हैं। और वाला खेत भी हमारा है, ये इसमें घास काट लिया है, और ये बीच वाला है इसमें हम काट रहे हैं, और इससे ऊपर वाले खेत में भी काट दिया हुआ है, और पार से वहाँ से जाके इधर तक है। अभी आगे तक जाएंगे हम इसमें। मुझे इतने अच्छे से काटना नहीं आता है घास, पर फिर भी मैं कोशिश ज़रूर करूँगी, है ना। कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश करते रहना चाहिए। वैसे मेरे पास है, मेरी बड़ी मम्मी है मुझे सिखाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे काटते हैं फटाफट घास, मम्मी बहुत फास्ट हैं। मम्मी कैसा लग रहा है? बढ़िया। अच्छा लगता है आपको काम करना, है ना? बिल्कुल, तभी आप खेत में ही पड़े रहते हो। तो मम्मी और बड़े मम्मी अभी जाके खाना खा रहे हैं, और टाइम पता कितना हो रहा है, टाइम 12 बजने वाले हैं। सुबह से इन्होंने कुछ नहीं खाया था, इनको बस काम ही करना होता है और खाने का भी ध्यान नहीं रखते। देखो अब जाके खाना खा रही हैं दोनों लेडीज। क्या हंस रहे हैं बड़ी मम्मी? तो अब खाना खा रहे हैं। इनका था कि जब मैं खाना लेके आई तब 10:30 हो रहे थे शायद, तो इन्होंने था कि ये थोड़ा सा कंप्लीट करना है घास काट के, उसके बाद खाएंगे। और काम करते करते फिर टाइम का पता ही नहीं चला, और अब खा रहे हैं खाना। कितने दिन पहले की बात? दो, दो, दो। तो मम्मी ना 2 दिन पहले की बात बता रही थी अभी एक, कि क्या हुआ इनके साथ। ये घास काटने गए थे दूसरे खेत में, इसी खेत में थे 2 दिन पहले। तो क्या हुआ कि
पापा खाना लेके आए होंगे इनके लिए दिन को, और वो ये दोनों फिर वही काम में बिजी, और देखा नहीं होगा खाना, और लोमड़ी इनका खाना लेके चली और जब ये खाना खाने बैठे बोलते हमें पता ही नहीं चला वहाँ पे बैग ही नहीं था, वो लेके चली गई थी। तो इसीलिए जब खाना आता है उसी टाइम खा लिया करो। मैं तो ब्रेकफास्ट करके आई हूँ घर से, लेकिन मैं लंच खेत में ही करूँगी क्योंकि खेत में खाना खाने का मजा कुछ अलग ही होता है। तो ये आज हम पूरा दिन खेत में ही होंगे, मतलब मेरी दराटी। अब हम जाएंगे घास काटने। मुझे अभी भेजा है इन्होंने पानी लाने, और घर से नहीं लाए हम पानी क्योंकि यहाँ कहीं पे पानी नेचुरल पानी निकल रहा है, तो वहाँ से ले जाना है पानी। रास्ता दिखाती हूँ। ओ वाओ, यहाँ सच में नेचुरल पानी है, देख रहे हो, यहाँ से ले जाना है पानी। ऊपर से देखोगे तो कुछ भी नहीं है, अगर ऋषि के नीचे देखोगे तो वहाँ पे पानी है। वाओ, बूंद बूंद करके आ रहा है। और यहाँ पे जो है वास्प ने अपना हाइव बना के रखा है, और अगर अब ये देखो इसके पास है अभी वास्प, यहाँ पे हम घास नहीं काट पा रहे हैं, नहीं तो ये हमें खाएंगे, पर हम भी इनका घर क्यों उजाड़ेंगे, जी और जीने दो। हम यहाँ से आज निपटने वाले हैं, इस वाले खेत से आज हम निपट जाएंगे। और मेरा हो गया है ब्रेक टाइम क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, और मैं छोटी हूँ तो मुझे रेस्ट मिलता है थोड़ा। क्यों काट रहे आप ये घास बताओ जरा? गाय के लिए। गाय के लिए? कब के लिए? सर्दी के लिए। हाँ, मतलब मेनली काटते इसीलिए क्योंकि सर्दियों में घास नहीं होता है, तो अभी इसको हरा जितना भी घास होता है खेतों में उसको काट के सुखाते हैं, फिर उसकी टोली लगाते हैं या फिर स्टोर करते हैं उस घास को, और फिर सर्दियों में गाय के काम आता है, तभी ये अभी शौज लगा है और घास काटने का सीजन है। बड़ी मम्मी कैसा लगा घास काट के? अच्छा अच्छा, आज नहीं पड़ गया मैं ना, अभी क्या काम है हमारे को, और अभी बांधना पड़ेगा, अभी घास बांधना है, गाड़ी रेस्ट करना, अभी पहले रेस्ट करेंगे थोड़ी देर, फिर आज काटा है ये तो अभी हरा ही होगा, ये सूखा नहीं है, इसको कल या परसों बांधेंगे, कल बांधेंगे शायद, कल तक सूख जाएगा। ये हमने घास काट के रख दिया है लाइन में, अब ये हरा है, कल तक ये सूख जाएगा, तो कल इसको बांधेंगे, जो इन्होंने पिछले कल काटा है घास वो आज बांधेंगे। ये देखो गुच्ची मिली थी, कितनी? 2-3-4 इतनी सी सारी। ये देखो यार, घर ले गए हमने, घर में भी है, देखो हमें चार ही है बड़ी मम्मी, चार ये मिले इनको, और भी तो है घर में भी है, घर में भी देखे थे मैंने। तो ये गुच्छी होती है, इसके प्राइसेस बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब 25,000 रुपए किलो या 30,000 रुपए किलो, ऐसे प्राइसेस होते हैं, इसके मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं जा रही हूँ अब घर। मम्मी और बड़े मम्मी अभी भी नहीं आएंगे, ये बाद में आएंगे, अभी थोड़ा घास इकट्ठा कर रहे हैं जो सूख गया है, और मेरे पास थोड़ा सा हरा घास है गाय के लिए। गाँव वहाँ है ऊपर जहाँ एक घर दिख रहा है। मैं पहुँची हूँ पीपल के नीचे, अब यहाँ थोड़ा ब्रेक लेते हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, फ़ोन में बैटरी भी कम होगी। विलेज लाइफ डिफ़िकल्ट होती है यार, पर मज़ा आता है। अदावाद
मेरी गाय है सोनी और ये मुझे बोल रही है कि खारिश कर इधर 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 गुड्डी होगी रे सोनी बाय। तो अभी मैं घर पहुंच गई हूँ, अब मैं रेस्ट करूँगी थोड़ा। इसमें ये हमारी गुच्ची होगी इतनी सी। आपका नाम क्या है? गुलाबीमा। क्या किया आपने आज? अलमारी में गुच्ची ना, अलमारी में गुच्ची। टूथब्रश लगाया, कहाँ लगाया टूथब्रश? अलमारी में। अलमारी में आपको हाथ में भी टूथपेस्ट लगाया। ये कौन नहीं आए? छोटे बच्चे कहाँ है? छोटे बिया इतनी बड़ी बड़ी चप्पलें पहन के घूम रही है। तो ये था मेरा पहला दिन गांव में और अभी शाम के 9 बज रहे हैं और हम लोग सोने आ गए हैं। आज तो भैया भी इधर है। व्यू बोलो, सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, लाइक कर ले, शेयर करे, शेयर कर ले, सब्सक्राइब करे, सब्सक्राइब कर ले बुआ के चैनल को। बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। This is Madhu Verma signing off. Bye bye. Take care. Annyeong. क्या नाम है आपका? बियाना। बियाना। बियाना बर्मा। बियाना। बहुत बोलो। पाँव का है? आपका पाँव का है? ढूंढो इसका पाँव। इसका पाँव। ये किसका पाँव है? किसका पाँव है?